हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स वंदे बास। खूंखार हायना से टकराव के बाद जब परमाणु आगे बढ़ा तो एक मजबूत फंदे ने उसे जकड़ लिया था। ये जानने के लिए पढ़ें इसके पहले की कॉमिक शिकार। बहुत देर से तुम्हारे दिमाग में ये सवाल खलबली मचाए हुए होगा परमाणु, कि मैं कौन हूँ। सुनो, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ कानून की रक्षा करने वालों का दुश्मन, और मेरा नाम है फंदेबाज। तब जब दिल्ली का स्वरूप वर्तमान दिल्ली से एकदम भिन्न था, तब जब दिल्ली की भीड़ भाड़ पुरानी दिल्ली तक ही सीमित थी, वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली के गाँव का उस भीड़ से कोई सरोकार न था। दिल्ली में शांति के प्रतीक थे वे गांव। ऐसा ही एक गांव था नत्थूपुरा, जिसमें फैली शांति को दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर धरती पलट की आवाज़ भंग कर रही थी। क्यों बे हरीलाल, तूने ही हेडक्वार्टर ये रिपोर्ट की थी ना कि नत्थूपुरा थाने का पूरा स्टाफ पानी में। स्टाफ पानी, स्टाफ यानी मैं और मेरे साथी सिपाही रिश्वत के बलबूते पर फल फूल रहे हैं। हाँ, तुम जैसे फर्ज से गद्दारी और कानून से खिलवाड़ करने वाले भेड़ियों के खिलाफ मैंने ही रिपोर्ट की थी, और जब तक तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा नहीं मिल जाती, मैं ऐसी रिपोर्ट करता ही रहूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर से बात नहीं बनी तो मैं ऊपर जाऊंगा, वहां भी बात नहीं बनी तो और ऊपर जाऊंगा। आ थाए, इतनी ऊपर तो नहीं जा पाएगा जितनी ऊपर मैं तुझे भेज रहा हूं। दरिंदे, तूने मेरे पति को मार डाला, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये बेचारा तो ऊपर पहुंच गया, फिर इसकी पत्नी नीचे कैसे रह गई। इसे भी अपनी पत्नी पति के साथ ऊपर जाना चाहिए। दरिंदगी के इस खौफनाक मंजर को उस मासूम ने अपनी फटी फटी आंखों से देखा था, जिसकी जुबान दहशत से उसके तालू से जा चुकी थी। गोलियों की आवाज सुनकर हरीलाल का छोटा भाई प्रकाश भागा हुआ आया। ये क्या किया इंस्पेक्टर तूने? मैंने क्या किया? किया तो तूने तूने जमीन जायदाद के चक्कर में अपने भाभी और भैया का कत्ल कर दिया इस अवैध रिवॉल्वर से। नहीं नहीं जज साहब, नहीं, ये झूठ है। मेरे खिलाफ जितने भी गवाह पेश किए गए हैं वे सब झूठे हैं। मैं बेगुना हूं जज साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन ना हिला, प्रकाश की चीख ने अदालत के जर्रे जर्रे को हिला डाला था, लेकिन ना हिला तो सबूत के अंधे कानून का पत्थर दिल कलेजा। तमाम गवाहों और बयानातों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत प्रकाश को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाती है। नहीं, यह चीख प्रकाश के कंठ से नहीं, उस मासूम के कंठ से गूंजी थी जिसका पूरा परिवार कानून की वेदी पर बलि चढ़ गया था। नहीं, उधर प्रकाश को फांसी पर लटकाया जा रहा था और इधर देख बच्चे, देख गौर से देख, ऐसा ही है वह फांसी का फंदा जो तेरे चाचा के गले में डाला गया है। इसी पर झूलकर मारा जाएगा वह बेचारा। काश तेरा बाप जानता कि हम जैसे ताकतवर कानून के रखवालों से टकराने का क्या अंजाम होता है। खैर, मैं तेरे गले में यह फंदा डाल देता हूं, तू इस बात को ध्यान रखियो कि कानून के रखवालों से टकराया तो तेरे गले को कस दिया जाएगा। शरीर की आंखें तक पथरा कर रह गई थी उस मासूम की। जानते हो वो मासूम कौन था? मैं, हाँ मैं था वह जिसकी दुनिया कानून की वजह से उजड़ गई थी। उसी दिन से मेरे दिल में कानून के रक्षकों के प्रति जल उठी थी एक ज्योति, जो आज भड़क कर ज्वाला बन गई है। एक ऐसी ज्वाला जो कानून के हर रक्षक को जलाकर भस्म कर देगी, और इस ज्वाला के पहले शिकार बनोगे तुम। हाँ परमाणु, तुम अपने फंदों के बल पर फंदेबाज तुम्हें एक भयानक मौत देगा। कुछ देर बाद ही तेरी गर्दन में मैंने पतली मगर मजबूत तार का फंदा डाल दिया है, और इसे इस जीप से जोड़ दिया है। जीप के एक्सीलेटर को मैंने सेट कर दिया है, ये बिना ड्राइवर के आगे बढ़ती रहेगी, और जैसे जैसे जीप आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तेरी गर्दन में पड़ा पतला तार खिंचेगा, और फिर ये पतली तार का फंदा तेरे लिए बन जाएगा मौत का फंदा। जीप स्टार्ट करने के बाद पहला गियर डालकर फंदेबाज जीप से छलांग लगाकर नीचे आ गया। बद्दुआ दे परमाणु, उसने उसे जिसने तेरे दिल में कानून की रक्षा करने का जज्बा पैदा किया, वही जज्बा आज तुझे यमराज के पास ले जा रहा है। वैसी ठाका लगाते हुए फंदेबाज वहां से रवाना हुआ। पीछे रह गया परमाणु मौत के फंदे में फंसा हुआ। जैसे जैसे जीप उससे दूर बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मौत उसके नजदीक आती जा रही थी। उफ, उफ,
तार गर्दन में धंसने लगा है। अब मेरी गर्दन धड़ से अलग होकर ही रहेगी, क्योंकि मैं तो इस स्थिति में किसी भी दशा में खुद को नहीं बचा सकता। और लगता है प्रोफेसर भी इस समय अपनी लैब में नहीं है, वरना अब तक उन्होंने मुझे बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया होता। उफ, तार का फंदा तो गर्दन में घुसता ही जा रहा है। आह, पतली तार का फंदा परमाणु की मौत बनने जा रहा था कि तभी टनाक आ पहुंची थी वह जिसका निर्माण ही परमाणु की सहायता करने के लिए हुआ है। प्रियंका, माफ करना परमाणु, प्रोफेसर का मैसेज तो पहले ही मिल गया था, लेकिन अपने में देरी इसलिए हो गई सॉरी लेकिन आने में देरी इसलिए हो गई कि ऑफिस में मैं अपने बॉस के सामने मौजूद थी, जो मुझे कल होने वाली पुलिस डे की वीडियो कवरिंग के विषय में खास निर्देश दे रहे थे। उनसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर यहां पहुंची हूं। प्रियंका ममता पाठक के रूप में एक वीडियो मैगजीन के लिए वीडियो प्रेस रिपोर्टर है, लेकिन तुम्हारी यह हालत किसने की? फंदेबाज ने। फिर परमाणु ने प्रियंका को फंदेबाज के विषय में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर अगर फंदेबाज ने सचमुच ही कानून के रक्षकों को खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ तो वह चुप नहीं बैठने वाला, वह जरूर कोई दूसरा खतरनाक कदम भी उठाएगा। हाँ, और हमें उसे वह कदम उठाने से रोकना है, लेकिन यह जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो यहां से चलो, क्योंकि तुम्हें वीडियो रिपोर्टर ममता के रूप में अपने ऑफिस पहुंचना है और मुझे इंस्पेक्टर विनय के रूप में पहुंचना है पुलिस हेडक्वार्टर। तुम सही समय पर आए इंस्पेक्टर, इनसे मिलो। ये है मिस्टर दिनेश राव। कल पुलिस डे पर जो फंक्शन किया जा रहा है ये उसके प्रबंधक है। जिस हॉल में फंक्शन किया जाएगा ये वहां के सभी प्रबंध देखेंगे। फंक्शन? फंक्शन किस हॉल में किया जा रहा है सर? सेंटर हॉल में, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से यह बात एकदम गुप्त रखी गई है। हम तीनों के सिवा इस बात को कोई नहीं जानता। कल फंक्शन से कुछ देर पहले ही उसमें शामिल होने वालों को उसकी सूचना दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो इंस्पेक्टर। कल तुम्हें मिस्टर राव के साथ मिलकर सेंटर हॉल के सारे प्रबंधों को देखना है। ओके सर। पुलिस हेडक्वार्टर से निकलकर इंस्पेक्टर विनय को पुलिस स्टेशन में पहुंचे कुछ ही देर हुई थी कि ट्रेन ट्रेन फोन उठाकर कान से लगाने के एक पल बाद ही विनय उछला। ओ नो, कहाँ? आजादपुर चौक पर। ठीक है, मैं आता हूं तुरंत ही। आजादपुर चौक पर। उफ, चार पुलिस कर्मियों की इतनी दरिंदगी पूर्ण हत्या, उफ, किसने किया ये? दूसरे ही क्षण इंस्पेक्टर विनय का चेहरा भभकता चला गया। तूने इन पुलिस कर्मियों की हत्या करके अपने विनाश के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया फंदेबाज। मैं सौगंध उठाता हूं, जब तक तुझे जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। अचानक इंस्पेक्टर विनय चौंका। फेंसिंग की तार में अटके ये कपड़े का टुकड़ा कैसा? इन चारों मृत सिपाहियों की पैंट तो सही सलामत है, फिर ये किसकी पैंट से फटा है? कहीं फंदेबाज की पैंट से तो नहीं? इस टुकड़े के फोल्ड में से निकलकर कुछ कण से मेरे हाथ पर कैसे आ गिरे? फोल्ड मतलब पहुंचा, पैंट के नीचे का हिस्सा जो मुड़ा होता है। विनय ने बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि ये बदरपुर के कण हैं, और इनका इस पैंट के नीचे से निकलने का मतलब है कि इसको पहनने वाला हर समय किसी न किसी रूप में बदरपुर के संपर्क में रहता है। और अगर वास्तव में ऐसा ही है तो मैं जानता हूं कि मुझे इस विषय में खोजबीन के लिए कहाँ जाना चाहिए। दक्षिण दिल्ली से बाहर स्थित भांटी माइंस क्षेत्र में, यहाँ फैली सैकड़ों खानों में कभी रात दिन बदरपुर निकालने का काम होता था, मगर अब सरकार ने यहाँ से बदरपुर निकालने के पाबंदी लगा दी है। काफी गहरी गहरी खाइयां हैं। क्या सचमुच इनमें कहीं छिपा है फंदेबाज? ओ, तभी चीहों को टाइम इंस्पेक्टर विनय, और मेरा शक सही निकला, और इसका सबूत है ये फंदा। जिससे मैं सही समय पर छलांग लगाकर बच ना गया होता तो इसने मेरी गर्दन नाप ली होती। उस फंदे से बचा विनय दूसरे फंदे से ना बच पाया। ओ, तब नजर आया फंदेबाज। हेलो इंस्पेक्टर, मुझे अपने साथ ले जाने की सोच रहे थे? ऐसा नहीं हो पाएगा, फंदेबाज के फंदे में फंसकर तुम यहां से सीधा नरक में पहुंचोगे। ऐसा नहीं होगा फंदेबाज। था ओ, हरगिज नहीं होगा। फंदेबाज के गिरते ही इंस्पेक्टर विनय ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। इसे घायल करना ठीक रहेगा। इंस्पेक्टर विनय के हाथ में थमी रिवॉल्वर ने गोलियां उंगली, लेकिन थाए थाए एक भी गोली फंदेबाज को ना छू सकी। फिर जो रस्सी पर नागराज की तरह उछला फंदेबाज, तो ये गई तेरी रिवॉल्वर। ठाक! अब जैसे तेरी रिवॉल्वर तेरे हाथ से गिरी है, वैसी तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग होकर गिरेगी। ठाक! फंदेबाज के इन वारों ने इंस्पेक्टर विनय को पूरी तरह से तिलमिला कर रख दिया था कि तभी ठाक!
फंदों के इस खिलाड़ी की कमर से बंधे फंदे अगर इसके शरीर से अलग हो जाए तो सारी बात ही बन जाए। अरे, एक झटके से फंदेबाज के फंदे हथियाकर इंस्पेक्टर विनय ने न केवल उसे हैरान किया बल्कि उसकी हैरानी का भरपूर फायदा भी उठाया। अब तेरे पास फंदे नहीं है, अब बता तू मुझसे कैसे निपटेगा। था इस बार दूर जा गिरा फंदेबाज, रुकने की बजाय भाग लिया। भाग रहा है, भाग कहाँ तक भागेगा, मैं पाताल तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। गुड, तू मेरे पीछे भाग खड़ा हुआ इंस्पेक्टर, यही तो मैं चाहता था। फंदेबाज ने वहां से भागकर जो चाल चली थी उसे बिना ना ताड़ सका और फंस गया फंदेबाज के जाल में। तेरे सामने से मैं इसलिए भागा जा रहा था क्योंकि मैं ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए यह फंदों का जाल बिछा रखा था। ओह, अब तू मरने से नहीं बच सकता, लेकिन मेरे दिल को सुकून तब मिलेगा जब मैं कल सेंटर हॉल में पुलिस डे के दिन एक साथ 300 कानून के रखवालों को मारूंगा। विनय अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन अभी तो मैं ये देखना चाहता हूं कि इतनी ऊंचाई से गिरकर तू बीच में हृदय गति रुकने से मरता है या गहरी खाई के तल से टकरा कर। फंदेबाज ने एक झटके से फंदा छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फंदेबाज के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।